786 नंबर का जब भी जिक्र होता है तो इस नंबर के पीछे मुख्तार अंसारी का जिक्र ज़रूर होता है। हालांकि ये नंबर इस्लाम धर्म में लोग इस नंबर को बहुत पाक मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भी गाड़ियां पिछले दिनों 786 नंबर की देखी जाती थी वो लोग समझते थे कि ये मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई गाड़ियाँ हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या किस्सा है, इसको बताने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी हैं। मनीष जी, 786 नंबर की जो गाड़ियों के पीछे का कहानी किस्सा है, क्या कहानी है सर, और क्यों मुख्तार अंसारी को इतना पसंद थी 786 नंबर की गाड़ी? देखिए, मोबाइल नंबर हो या गाड़ी का नंबर हो, एक ट्रेंड जो डेवलप हुआ यूपी में वो मुख्तार अंसारी ने डेवलप किया। उनके मोबाइल का नंबर 11786 होता था, सीरीज कोई भी हो 11786 उनका मोबाइल का नंबर होता था। गाड़ी का नंबर 11 उनका अपना फेवरेट था, उन्होंने एक बना लिया था, क्योंकि उनको पहली सीरीज में शायद 11786 मिला, उसके बाद उन्होंने उसको ही ट्रेंड बना लिया। तो गाड़ी 786 नंबर की उनके धर्म के हिसाब से उनको सूट करती थी, उन्होंने 786 चूज़ कर ली। अब वो ट्रेंड अब तक वो कायम है, अलग अलग जो माफियाएँ हैं अपना उन्होंने एक एक नंबर पेटेंट कर लिया, वो चाहे ज्योतिषाचार्य से पूछ के किया हो या अपने डेट ऑफ बर्थ को देख करके या जो भी उनको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सही लगा होगा। जैसे धनंजय सिंह की सारी गाड़ियों का नंबर 9777 मिलेगा, अभय सिंह की 72-73 नंबर मिलेगा, राजा भैया का 1000 या 1001 नंबर मिलेगा। तो सब ने अपने अपने एक नंबर सेट कर लिए, लेकिन इसके जनक मुख्तार अंसारी थे 786 से, उन्होंने एक ट्रेंड डेवलप किया। तो क्या ये 786 नंबर की गाड़ियाँ, क्योंकि जो गाड़ियों का काफिला चलता था तो एक साथ ढेर सारी गाड़ियाँ एक RTO से एक समय पर एक ही नंबर मिल सकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश के अलग अलग RTOs में उनका पैठ थी या कैसे, क्या ये नंबर मिलते थे कैसे? देखिए, मुख्तार अंसारी सत्ता के इतने करीब रहते थे कि CM से उनकी एक फ़ोन की दूरी पे CM उनके रहता था, चाहे वो मुलायम सिंह रहे हों चाहे वो मायावती रही हूँ, दो CM का कार्यकाल तो उनके समय में मैंने देखा है। और जब वो कोई CM का इतना नज़दीकी होता है माफिया, तो शासन प्रशासन उसके इशारे पर काम करता है। तो RTO की क्या हैसियत, जब उनके परिवहन मंत्री और परिवहन मतलब परिवहन निदेशक जब उनके इशारे पे काम करते हैं, तो RTO की तो कोई हैसियत रहती ही नहीं थी। जो भी लखनऊ का मैं प्रत्यक्ष रूप से गवाह हूँ, मेरे एक मित्र को जो लखनऊ से इस समय समाजवादी पार्टी से एक विधायक हैं, मुस्लिम विधायक हैं, मेरे मित्र हैं, उनको एक नंबर चाहिए था, तभी मेरे को ये मालूम पड़ा कि वहाँ RTO से ये नंबर किसी को अलाट ही नहीं होता है। अच्छा, उन्होंने जा करके उसका बाकायदा फॉर्म भरा, उसमें पैसे का सिस्टम शुरू हो गया था, 10-15 हज़ार रुपये शायद 15 हज़ार रुपये जमा होते थे। उन्होंने कहा कि मैं 15 हज़ार जमा करने को तैयार हूँ, 786 नंबर हमको अपनी गाड़ी के लिए चाहिए। RTO ने मना कर दिया कि नहीं, इसके लिए आपको मुख्तार अंसारी की परमिशन लानी पड़ेगी। अच्छा, ये किस समय की बात है सर? ये हमें लगता है 8-9-10 जी, उस समय वो विधायक नहीं हुए थे, विधायक तो इस बार के हैं वो। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्यों ज़रूरत पड़ेगी, मुख्तार अंसारी तो जेल में। कहा नहीं, वो अगर वो परमिशन देंगे, अगर वो गाड़ी नहीं ले रहे होंगे तब ये नंबर किसी को अलाट होगा, नहीं तो ये नंबर अलाट ही नहीं होगा। तो किसी भी सज्जन को 786 नंबर अगर अलाट होता था मुख्तार की कृपा से मिलता था। ये केवल लखनऊ RTO ने, गाजीपुर, मऊ, बनारस या प्रदेश के और ज़िलों में जहाँ से उनकी मर्ज़ी होती, जहाँ से वो गाड़ी निकलवाते थे, वहाँ से उनको 786 नंबर मुख्तार अंसारी के नाम पर ही अलाट। 786 नंबर जिसको जिसको मुख्तार से पूछना पड़ता जी जी बिल्कुल, मतलब पैसे देने के बाद, पहले तो पैसे का चलन नहीं था, बाद में पैसे का चलन शुरू हुआ, उसके बाद से ये सिस्टम शुरू हो गया। तो 786 नंबर का तो ये ट्रेंड रहा। अब तो खैर बोली लगती है, आपको मिनिमम 1 लाख रुपए जमा ही करना है 786 जैसे नंबर के लिए, फैंसी नंबर वाली एक व्यवस्था चालू हो गई है जी जी। तो 1 लाख रुपए जमा करने हैं, उसके बाद बोली लगती है, अब उसके बाद जो जहाँ तक बोली छूटेगी, तो ये बोली की व्यवस्था जो नीलामी की बोली की व्यवस्था शुरू हुई, वो इसी माफिया राज को ख़त्म करने के लिए हमें लगता है शुरू की गई है। बिल्कुल। तो देखिए, 786 नंबर क्यों मुख्तार को पसंद था और इसके पीछे कैसे कैसे मुख्तार ने इस नंबर को अपना एक कहें कि अपना एक कोड बनाया और क्या इसके पीछे की कहानी थी, ये सब कुछ विस्तार से मनीष मिश्रा जी ने हमारे दर्शकों के लिए बताया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।